1 जुलाई सन 965 ईस्वी इराक के बसरा शहर में प्रकाशिकी के जनक इब्नुल हैशम का जन्म हुआ था, जिन्हें हम कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स, जिन्होंने पता लगाया कि रोशनी सीधी चलती है और जब एक छोटे सुराख से होकर जाती है तो सामने जाकर उल्टा अक्ष बनाती है। अपने इसी थ्योरी के आधार पर इब्नुल हैशम ने पहली बार पिनहोल कैमरा बनाया, जिसके आधार पर आधुनिक कैमरा बना। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैमरा एक अरबी शब्द है जो अल कमरा से बना है। अपने प्रयोगों के दौरान उन्होंने पता लगाया कि आंखें कैसे देखती है और इसी थ्योरी से इन्होंने ऑप्टिक्स का विकास किया, जिसमें अध्ययन किया जाता है कि आंखें कैसे काम करती है और अगर नज़र कमजोर हो जाए तो इन्हें शीशे के जरिए सही कैसे किया जाए। इब्नुल हैशम के इन खोजों से आज पूरी दुनिया बेहिसाब फायदा उठा रही है।